गृहमंत्री अमित शाह ने बीजापुर नक्सली हमले में शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी, कहा जवानों का बलिदान बेकार नहीं जाएगा। गृहमंत्री अमित शाह का असम दौरा रद्द हुआ, बीजापुर नक्सली हमले के बाद दौरा रद्द किया गया। जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, हमारी लड़ाई और मजबूती के साथ नक्सलियों के खिलाफ चालू रहेगी। गृहमंत्री अमित शाह का असम दौरा रद्द, बीजापुर नक्सली हमले के बाद दौरा रद्द किया गया। अमित शाह ने बीजापुर में हुई नक्सली घटना पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से बातचीत की, सीआरपीएफ के डीजी को घटनास्थल पर जाने के निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ के बीजापुर नक्सली हमले में शहीद 17 और जवानों के शव मिले, अब तक 22 जवान शहीद, एक जवान अब भी लापता। छत्तीसगढ़ मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों ने तेज की है कॉम्बिंग ऑपरेशन, नक्सली इलाके में 600 जवानों की बटालियन सर्च ऑपरेशन में जुटी हुई है। बीजापुर एनकाउंटर में सुरक्षा बलों ने 15 नक्सलियों को मार गिराया, पुलिस अधिकारियों के मुताबिक कुछ नक्सलियों के शव बरामद किए गए। बीजापुर नक्सल हमले में नक्सलियों ने LMG और रॉकेट का किया था इस्तेमाल, जवानों पर की थी अंधाधुंध फायरिंग। सूत्रों के मुताबिक नक्सलियों ने घात लगाकर जवानों पर किया हमला, 100 से 200 मीटर की दूरी से फायरिंग की गई। बीजापुर में करीब 1000 से 1200 नक्सलियों ने किया था ये हमला, अत्याधुनिक हथियारों से लैस थे सभी नक्सली। बंगाल में आज फिर गरजी, सीएम योगी कहा 2 मई के बाद टीएमसी के गुंडों का होगा सफाया, किसानों तक पहुंचेगी सम्मान निधि। सुनते कान खोल करके सुन लें कि उनके दिन अब समाप्त हो गए, अब उनकी गुंडागर्दी नहीं चलने वाली है। सीएम योगी ने टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया, कहा दीदी के गुंडों को सही जगह पर पहुंचाएंगे। कार्यकर्ताओं की निर्मम हत्या करने वाले इन गुंडों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई होगी जिनकी आने वाली कई पीढ़ियां गुंडागर्दी करना भूल जाएंगी। सीएम योगी ने यूपी का जिक्र करते हुए कहा है कि पहले यूपी में भी ऐसी ही गुंडागर्दी होती थी, लेकिन अब कुछ गुंडे जेल चले गए तो कुछ यमलोक पधारे। आज उत्तर प्रदेश में कावड़ यात्रा भी निकलती है, दुर्गा पूजा भी होती है, होली भी खेली जाती है और गुंडे सब गायब हैं। हुगली रैली में सीएम योगी का ममता सरकार पर निशाना, कहा बंगाल टीएमसी की अर्थव्यवस्था अव्यवस्था अराजकता का शिकार। सीएम योगी ने कहा बीजेपी की सहानुभूति महिलाओं किसानों के साथ है, टीएमसी की सहानुभूति सिर्फ गुंडों के साथ। बंकी जंग में टीएमसी ने भी जोगी पूरी ताकत, हुगली रैली में सीएम ममता बनर्जी ने बीजेपी पर साधा निशाना। बंगाल में कटमनी पर बड़ा खुलासा हुआ, गणेश बागरिया के ऑडियो टेप में अभिषेक बैनर्जी का भी जिक्र, कोयला तस्करी मामले में आरोपी अनूप मांझी का करीबी है गणेश। ऑडियो टेप में बड़े भ्रष्टाचार का जिक्र, ऑडियो टेप में 45 करोड़ रुपए दिए जाने का दावा। कटमनी पर ऑडियो बम से बंगाल की सियासत गर्मा गई, बीजेपी ने कहा दीदी ने भ्रष्टाचार का खोल रखा था शोर। बंदादी कटपनी पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, दीदी ने भ्रष्टाचार का खोल रखा था शोर। बंदादी कटपनी पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, कहा बीजेपी राज में जेल जाएंगे अभिषेक बनर्जी। अभिषेक बनर्जी बंगाल की सबसे बड़ा गुंडा है, सबसे बड़ा तोलाबाज करने वाला व्यक्ति है, बंगाल की जनता के पैसे को लूट के बाहर भेजने वाला सरगना है अभिषेक बनर्जी। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा बंगाल में सरकार बनाने जा रही है बीजेपी, तोलाबाजी और कटमनी से बंगाल की युवा नाराज। असली परिवर्तन के लिए वोटिंग, सुप्रियो इस बार बंगाल में असली परिवर्तन के लिए हो रही है वोटिंग, जीत का दावा किया। सुवेंदु अधिकारी का अभिषेक बनर्जी पर निशाना, कहा 2014 में मंत्री बनने के साथ ही बंगाल में ऑर्गेनाइज करप्शन की शुरुआत हुई। 2014 जब भातीजा ने एमपी बना दिया, उसकी आंटी एक ऑर्गेनाइज करप्शन के रूप में पश्चिम बंगाल में चल रही है आज भी। बंगाल और असम में तीसरे दौर के चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन है, शाम 5 बजे थम जाएगा चुनावी शो। बीजेपी का मिशन दक्षिण, पुडुचेरी में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किया चुनाव प्रचार। पुडुचेरी में बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन, जेपी नड्डा ने किया मेगा रोड शो। पुडुचेरी में चुनाव प्रचार के दौरान भगवान के दर पर जेपी नड्डा, जीत का लिया आशीर्वाद। जिंद में आम आदमी पार्टी की किसान महापंचायत, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने की शिरकत, तीनों कानूनों को रद्द करने की मांग की। कोरोना के मौजूदा हालात पर प्रधानमंत्री मोदी की हाई लेवल बैठक, कैबिनेट सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी रहे मौजूद। बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार भी कोरोना संक्रमित, संपर्क में आए लोगों से की जांच कराने की अपील। देश में कोरोना की बेकाबू रफ्तार, 24 घंटे में 93,000 से ज्यादा नए केस, कोरोना संक्रमण से 513 लोगों की मौत। देश में कोरोना की लहर का कहर जारी है, संक्रमण के मामले में ब्राजील और अमेरिका को पीछे छोड़ते हुए पहले नंबर पर भारत पहुंचा।
कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन बना रही है नया रिकॉर्ड। मई के अंत तक भारत में 1.4 करोड़ का आंकड़ा पार करना हो सकता है संभव। दिल्ली में कोरोना के एक दिन में 3,567 पॉजिटिव केस, संक्रमण दर बढ़कर के 4.48% तक पहुंचा। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 49,447 नए मरीज मिले, 277 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना फिर हुआ है बेकाबू। बीते 24 घंटे में 9,000 से ज्यादा कोरोना के मरीज मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। रांची की कॉलोनी में 30 घरों को सील किया गया, बिना मास्क के इलाके में नहीं होगी एंट्री। वहीं एक निजी स्कूल के 16 स्टाफ कोरोना संक्रमित पाए गए। उज्जैन के पाटीदार अस्पताल में लगी भीषण आग, 3 मरीजों की झुलसने से मौत हुई है। बड़ी संख्या में मरीजों को दूसरे अस्पताल में शिफ्ट किया। अमरोहा में पैसों के विवाद को लेकर दो पक्षों में मारपीट, लाठी डंडों से लड़ती दिखी महिलाएं, बच्चों समेत 3 घायल, घटना कैमरे में कैद। सीकर में डीजे पर युवक ने बर्थडे पार्टी में तलवार लहराई है, तमंचे से फायरिंग भी की। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस कर रही तलाश। जयपुर के बस्ती में दो पक्षों में मारपीट, करीब आधा दर्जन लोग घायल, एक पक्ष पर दूसरे पक्ष के मकान में तोड़फोड़ करने का भी आरोप, 3 लोग गिरफ्तार। यहां शराबबंदी कानून की खुलेआम धज्जिया उड़ी, ऑर्केस्ट्रा में जमकर के चला शबाब के साथ शराब, वीडियो वायरल, एसपी ने दिया जांच का आदेश। भोपाल में चाय की दुकान बंद कराने गई पुलिस पर हमला, पुलिस वालों पर चाय और पत्थर फेंके गए, 3 जवान घायल, 9 आरोपी गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर के बारामूला में भीषण आग, बाजार में लगी आग से 28 दुकानें जलकर के खाक हो गई, लाखों के नुकसान की आशंका। सोनभद्र के थर्मल पावर प्लांट में हादसा, प्लांट में काम कर रहे 13 मजदूर घायल। गाजियाबाद में जमीन विवाद में चले लाठी डंडे, एक भाई ने दूसरे भाई की पत्नी और बेटे की बेरहमी से पिटाई की, सीसीटीवी में कैद हुआ था। यूपी में पंचायत चुनाव को लेकर खून खराबा शुरू, बागपत में प्रधान पद के उम्मीदवार को बदमाशों ने मारी गोली। आगरा में पोल से बांध करके युवक की पिटाई की गई, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। मेरठ में नशे की हालत में 2 लोगों ने की फायरिंग, मौके पर मौजूद ट्रैफिक पुलिस ने आरोपी को दबोचा। उधर चित्रकूट में पुलिस के हाथे चढ़ा 25,000 का इनामी डकैत, गौरी गैंग के सक्रिय सदस्य सुरेश यादव गिरफ्तार हुआ। बीकानेर में डॉक्टर की मौत पर हंगामा, तेज रफ्तार कार ने मारी थी डॉक्टर की बाइक को टक्कर। मुख्तार अंसारी के यूपी वापसी का काउंटडाउन शुरू हो गया, पंजाब के गृह सचिव ने हैंडओवर के लिए यूपी सरकार को चिट्ठी लिखी, 8 अप्रैल से पहले यूपी को सौंपने का जिक्र। गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के एम्बुलेंस मामले में पूछताछ के लिए मऊ पहुंची बाराबंकी की पुलिस टीम, डॉक्टर अलका राय से पूछताछ। पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश और बाढ़ की आशंका, 5 से 7 अप्रैल तक देश के अलग अलग हिस्सों में आंधी और तेज हवाओं की आशंका। हरिद्वार में धूमधाम से श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन की पेशवाई निकली, 13 अखाड़ों के महंत और योग गुरु बाबा रामदेव भी रहे मौजूद। यूपी के बागपत में एसओजी और शराब तस्करों के बीच में मुठभेड़ हुई, एक बदमाश के पैर में गोली लगी, पुलिस ने 2 को पकड़ा। यूपी के सुल्तानपुर जिले के धनपतगंज में पुलिस के 7 गौ तस्करों को गिरफ्तार किया गया, 1 पिकअप कार, 2 अवैध पिस्टल कारतूस। यूपी के बुलंदशहर में पुलिस थाने में कबाड़ में भीषण आग लग गई, करीब 1 किलोमीटर के दायरे में फैला हुआ काला धुआं। बिहार में शराबबंदी को लागू करने पर बीजेपी सांसद अजय निषाद ने उठाए सवाल, कहा राजनीति और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में पल रहे हैं शराब माफिया। बिहार के छपरा में गैस सिलेंडर फटने से 5 घरों में आग लगी, लाखों का सामान जलकर खाक हुआ। राजस्थान में कोरोना के बढ़ते मामले के कारण बढ़ सकती है सख्ती, सीएम गहलोत ने समीक्षा बैठक के बाद लोगों को किया आगाह। राजस्थान के श्रीगंगानगर में फैक्ट्री में लगी भीषण आग, दमकल की टीम ने घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। एनबा अवार्ड में बजा दी हिंदुस्तान का डंका, बेस्ट न्यूज कवरेज कैटेगरी में बिहार चुनाव के लिए मिला माधुरी कलाल को अवार्ड। बिहार बाढ़ कवरेज के लिए रोहित रंजन को मिला बेस्ट न्यूज वीडियो का अवार्ड। दी हिंदुस्तान के शो सुबह हो गई को मिला बेस्ट ब्रेकफास्ट शो का खिताब, जबकि वंदे मातरम प्रोग्राम को मिला बेस्ट चैनल प्रोग्राम प्रोमो अवार्ड। जी हिंदुस्तान के प्राइम टाइम शो खबरों का टॉप एंगल को मिला बेस्ट प्राइम टाइम शो का खिताब, सत्य पे सत्ता की टीम को भी मिला अवार्ड। जी हिंदुस्तान के साथी चैनल जी राजस्थान, जी बिहार, जी उड़ीसा, जी 24 घंटा और जी 24 कला को भी मिला एनबा मीडिया अवार्ड। एनबा अवार्ड में जी उड़ीसा ने भी लहराया परचम, प्राइम टाइम शो विशेष खबर के लिए मिला अवार्ड। एनबा अवार्ड में जी 24 कला की भी धूम, झोली में आए 2 अवार्ड, एडिटर्स पॉइंट के लिए एडिटर दीक्षित सोनी को अवार्ड मिला। 5 अप्रैल से जनरल टिकट पर भी सफर कर सकेंगे अब पैसेंजर, सरकार ने 71 ट्रेनों की लिस्ट जारी कर दी। सोशल नेटवर्क कंपनी लिंक्डइन का कर्मचारियों को तोहफा, सभी कर्मचारियों को 1 हफ्ते के लिए पेड वीक ऑफ देने का ऐलान, 5 अप्रैल से होगी शुरुआत। सोना फिर 45,000 रुपए के पार पहुंचा, अभी और बढ़ सकते हैं दाम, इस हफ्ते ही 449 रुपए महंगा हुआ सोना। साउथ की सुपरहिट फिल्म मास्टर के हिंदी रीमेक में सलमान खान कर सकते हैं काम, बताया जा रहा है कि सलमान स्क्रिप्ट में चाहते हैं कुछ बदलाव। बीच पर शिल्पा ने बताए छुट्टियां, समंदर किनारे शिल्पा ने खूब की है मस्ती, अब शिल्पा शेट्टी ने सोशल मीडिया पर खुद शेयर किया दिलकश वीडियो।
शहनाज गिल की एयरपोर्ट लुक के चर्चे, ब्लैक आउटफिट में आई नजर। कनाडा में अपनी फिल्म हौसला रख की शूटिंग पूरी कर लौटी शहनाज। श्रीदेवी जैसी चालबाज बनेंगी श्रद्धा कपूर, पहली बार डबल रोल में नजर आएंगी श्रद्धा। फिल्म चालबाज इन लंदन में कर रही हैं काम। अमिताभ बच्चन ने अनुष्का विराट को लेकर शेयर किया एक मजेदार जोक, जिसने भी पढ़ा उसकी छूटी हंसी। जयललिता को याद कर इमोशनल हुई कंगना, लिखा शूटिंग करते वक्त मेरा दिल दुखता था कि स्कॉलरशिप होने के बावजूद वो पढ़ाई नहीं कर सकी। सैम मानेकशो की बायोपिक के नाम का ऐलान, विकी कौशल ने बताया फिल्म का नाम सैम बहादुर। अजय देवगन की फिल्म मेरे के प्रोडक्शन से जुड़े 12 लोगों पर केस दर्ज हुआ, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम तोड़ने और मास्क नहीं पहनने का आरोप। बीसीसीआई अध्यक्ष रघु भारतीय कप्तान सौरभ गांगुली ने ऋषभ पंत की तारीफ की, गांगुली ने पंत को बेहतर मैच फिनिशर बताया। आईपीएल से पहले दिल्ली कैपिटल को लगा बड़ा झटका, गेंदबाज अक्षर पटेल हुए कोरोना पॉजिटिव। तुर्की में कोरोना ने फिर पकड़ी रफ्तार, अधिकांश जगहों पर फिर लगा लॉकडाउन, इस्तांबुल से लॉकडाउन की तस्वीरें आई सामने। शख्स ने बाइक पर किया स्टंट, स्टंट के दौरान उछलकर नीचे गिर पड़ा शख्स, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ग्राउंड में बूढ़ी महिला ने लोगों के बीच किया डांस, महिला का डांस देख झूम उठे लोग, सोशल मीडिया पर हुई दादी मां की तारीफ। बेखौफ होकर के मेंढक ने की सांप की सवारी, लोगों ने वीडियो देख करके कहा यह है असली खबरों का खिलाड़ी, वीडियो देख खूब हंस रहे हैं लोग। मगरमच्छ कर रहा था जेब्रा के शिकार का इंतजार, पर जेब्रा ने अनोखे तरीके से मगरमच्छ को दी मात, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। मजे से रोलर कोस्टर राइड से ले रहे थे शख्स, बीच सड़क पर यहां राइड पर शख्स से टकरा गया पंछी, वीडियो देख करके लोगों को हंसी आई। स्टेशन पर अचानक पहुंच गया हाथी, तस्वीरें कैमरे में कैद हुई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। खतरनाक एडवेंचर के बीच में शख्स के लड़खड़ाए पैर, बच्चों की तरह रोने लगा शख्स, लोगों ने कहा जो डर गया सो मर गया। जिराफ को खाना खिला रहा था बच्चा, तभी जिराफ ने बच्चे को हवा में उठाया, वीडियो देख लोगों ने लगाया ठहाके। उससे कई गुना ज्यादा बड़े डॉग के शख्स ने की है कंगी, बड़े मलामूट डॉग को देख करके हैरत में पड़े लोग, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। ज्वालामुखी के लावे में शख्स ने पकाया ऑमलेट, शख्स का कारनामा देख हैरत में पड़े लोग, सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। अजब गजब ड्रेस में शख्स ने किया कमाल का डांस, देखिए एक से एक कमाल के डांस मूव्स, सोशल मीडिया पर शख्स की तारीफ हुई। रेस्टोरेंट में गुस्सा कोमोडो ड्रैगन, बेखौफ महिला ने ड्रैगन को किया बाहर, लोग कर रहे हैं महिला की जाबाजी की तारीफ।